आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पूर्व क्रिकेटर व पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही अंदाज में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। सिद्धू ने मुंगावली का दौरा किया और मुख्यमंत्री शिवराज और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामा तो गयो और तो और ऊपर वाला ठाकुर भी गयो। मध्य प्रदेश की चुनावी पिच पर ओपनिंग करने उतरे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही अंदाज में शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा, मामा तो गयो, तो लोगों ने खूब तालियां ठोकी। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। मुंगावली में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए उतरे सिद्धू ने एक के बाद एक शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किए। ऐसे ही पंजे पे वोट डालो तो दिल के अंदर से कहो मामा तो गयो। मैं जब जवान था ना, अभी भी जवान हूं, तो मैं छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। ये ज्यादा तगड़े हैं मुझसे, ये छक्का मारेंगे मामा और भाजपा मध्य प्रदेश की बाउंड्री के पार। मध्य प्रदेश में डेढ़ दशक से शासन कर रहे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सिद्धू ने चुनावी सभा में भाषण देते हुए कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ी कचरा बनकर डंप करके फेंक दी जाती है, अब बुरे दिन जाने वाले हैं क्योंकि राहुल भैया आने वाले हैं। सिद्धू ने कहा कि यह सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है, किसानों का 1 लाख माफ ना हो तो उसकी ज़मीन नीलाम हो जाती है। लेकिन मोदी साहब बताएं कि अंबानी और अडानी को जो पैसा वापस करना है वह पैसा क्यों नहीं वसूलते, आखिर उनके साथ कौन सा टांका फिट है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।